जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्सर्ग, जो आपके आने वाली यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों लगातार यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो से तीन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको कैसे याद रखने, आपको समझना है आप एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे रट कर जाते हैं और एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। दोस्तों भूलना नहीं है, यहाँ पे समझना है और सीखना है, क्योंकि हाँ आपके एग्जाम में जब पूछा जाए आप इसको अच्छे से करके आओ, सही आंसर दे के आओ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको समझा दूं। दोस्तों उपसर्ग आज का टॉपिक है। दोस्तों उपसर्ग का दूसरा नाम होता है दोस्तों आदि कहा जाता है, उपसर्ग को आदि कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या दोस्तों? आदि इसका दूसरा नाम होता है। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ यानी के शुरू में, किसी भी शब्द में शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते, उसे उपसर्ग कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पराधीन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? पर आ जाएगा। ये आपके फॉरेस्ट 2022 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, वन विभाग के एग्जाम में। तो लगातार ये इंपोर्टेंट है, और आपके यूपी पुलिस, UPSI, कैन सुपरवाइजर, कनिष्ठ सहायक, तमाम उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है, यहाँ पे लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें कहा गया है यानी के पहले उपसर्ग लगा हो और बाद में ता यानी के प्रत्यय लगा हो, ऐसा कौन सा शब्द है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते, देखिए यहाँ पे अनु आ रहा है, नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो चुका है। औ आ रहा है, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए की बात करिए, यहाँ पे अन आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसकी पहचान देखेंगे, देखिए असहनशीलता, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो दोस्तों लगातार इसे याद रखेंगे और इसको पहचान करेंगे, समझेंगे कि इसका आंसर हमें क्या पहचान करके देना है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे ए पूछा गया है शुरू में और बाद में दोस्तों ता पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा है दोस्तों? प्रत्यय किसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है? रक्तिमा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है, तो यहाँ पे ईमा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों प्रत्यय यानी के बाद में मिल प्लस आप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों रटना नहीं है, सीखना है। जिसकी हिंदी अच्छी उसकी नौकरी पक्की दोस्तों, तो याद रखिए, जिसने हिंदी को अच्छे से करा है उसकी नौकरी जरूर पक्की होने वाली है, और आपका सपना जो है यूपी पुलिस में जाने का वो साकार होने वाला है। तो दोस्तों धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, धातु किसे कहते हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेख, क्या लेख पूछा जाए, और दोस्तों ये हो गया धातु, और इसमें अक जुड़ जाएगा, तो दोस्तों ये क्या है? ये धातु है, ये मूल धातु है, और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ जाएगा? अक जुड़ जाएगा। दोस्तों जब इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा लेखक, और ये लेखक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर लेखक यहाँ पे संज्ञा का रूप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कृत प्रत्यय कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों? मीठा प्लस आस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिठास हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उपसर्ग बहुत ही आसान टॉपिक है और यहां से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, तो सोमवार से आपकी क्लास चलने वाली है यूपी पुलिस स्पेशल के लिए, जहां पे मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों यहाँ पे पूछा है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप बन जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे बन जाएगा साप्ताहिक बन जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है दोस्तों?
याद रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या रहेगा दोस्तों, आओ शब्द जुड़ जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय होता है दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है शब्दांश को, याद रखेंगे। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और लगातार ये विभिन्न परीक्षा में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, और यानी कि आने वाली जो परीक्षा है आपकी यूपी पुलिस में भी लगभग इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, वह उपसर्ग किसमें है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों वह लिखा है, आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है वह जो है यहाँ पे उपसर्ग किस भाषा का है, दोस्तों कौन सी भाषा का जाएगा, अरबी भाषा का हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, अरबी फारसी का हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे वह किस शब्द में प्रयोग किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बद बू आ रहा है, तो यहाँ पे वह तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बद यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, बदनाम आ रहा है, बद हजमी आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बदौलत हो जाएगा। तो लगातार दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जानने के लिए और सीखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों, यूपी एग्जाम में जुड़े रहिए, और लगातार सोमवार से आपकी क्लास चलने वाली है जो टॉपिक वाइज कराई जाएगी, और यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्जाम से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।